फाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ निशा बंडवा। देखिए, बिहार में एक सनकी मंत्री हैं और एक महासनकी अधिकारी हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा कहना है आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने आईएएस केके पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच छिड़ी रार को लेकर ट्वीट किया है और दोनों को सनकी और महासनकी बताया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका शिक्षा विभाग है या कव्वाली का अखाड़ा, जहां एक सनकी मंत्री और एक महासनकी अधिकारी के बीच भिड़ंत चल रहा है। अधिकारी ऐसा जो आप ही की तरह अपने को आपके बाद दुनिया का सबसे अधिक ज्ञानी समझता है और माननीय मंत्री जी के बारे में कहना ही क्या। शिक्षा मंत्री के काम के अतिरिक्त बाकी सभी काम करने में दक्षता हासिल है उनको, संभालिए सर, अन्यथा आने वाली पीढ़ी कोसेगी। इस ट्वीट में उन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और साफ साफ कहा है कि आपके शिक्षा विभाग का तो जवाब ही नहीं है। आपके शिक्षा विभाग में एक ऐसे सनकी मंत्री हैं और उससे भी ऊपर एक ऐसे महासनकी अधिकारी हैं, जिन दोनों में ही रार छिड़ गई है। और अधिकारी के बारे में कहें तो अधिकारी का कहना ही क्या, वे खुद को आपके बाद सबसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी समझते हैं। वहीं मंत्री को लेकर भी उन्होंने निशाने पर लिया है। इस ट्वीट के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ जो बिहार में फिलहाल मुद्दा बना हुआ है आईएएस केके पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का, उसको लेकर सवाल खड़ा किया है और कहा है इस तरह से जो शिक्षा की व्यवस्था बिहार में चल रही है उसको संभालिए, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है वो आपको बहुत कोसने वाली है। फिलहाल देखा जाए तो आईएएस केके पाठक और शिक्षा मंत्री का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें पित पत्र जारी कर चेतावनी दी है, उन्हें हड़काने का काम किया है, जिसके बाद बवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पर सभी के अलग अलग विचारधारा सामने आ रही है। एक तरफ जहां बीजेपी इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है, बीजेपी तो आईएएस केके पाठक के समर्थन में बोल रही है, तो वहीं जेडीयू और आरजेडी में भी आपस में रार देखने को मिल रही है। जेडीयू की ही बात कर ले तो अभी थोड़े ही देर पहले हमने आपको रत्नेश सदा का वो बयान सुनाया था, जिसमें रत्नेश सदा ने साफ साफ कहा था कि आईएएस केके पाठक दलित विरोधी हैं, उनकी विचारधारा बहुत गलत है, वो उन्होंने शिक्षा मंत्री का समर्थन किया था। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता सुनील सिंह ने केके पाठक का समर्थन किया और शिक्षा मंत्री को काफी कुछ भला बुरा कहने का काम किया था। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि बिहार के ये कैसे शिक्षा मंत्री है जो कभी रामचरितमानस पर विवादित बयान दे देते हैं, तो कभी बिहार के छात्रों को लेकर विवादित बयान दे देते हैं, और अब जाकर उन्होंने एक कड़क आईएएस ऑफिसर की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। देखिए, ये मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है और लगातार इसको लेकर पक्ष विपक्ष जो है आमने सामने है। हालांकि इस पर नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, लेकिन जिस तरह से बिहार की शिक्षा मंत्री की आलोचना की जा रही है कि उन्हें उनके पास शिक्षा विभाग का जिम्मा है और उन्हें इस तरह से सार्वजनिक होकर इस लेटर जारी नहीं करना चाहिए था, उन्हें अपने विभाग में पहले सल्टा लेना चाहिए था, इस पर अब सियासत खूब हो रही है, टिप्पणी भी की जा रही है। संतोष सुमन ने भी साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार को तो ऐसे अधिकारियों से और ऐसे मंत्रियों से इस्तीफा ले लेना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार में अब वो हिम्मत ही नहीं बची है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई है और कह दिया है, चेता दिया है कि अभी ही संभल जाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ी आपको बहुत कोसने वाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।